हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फोर्थ क्लास किड्स. वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड वेलकम बैक टू अवर 15th सेशन. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर. सो चिल्ड्रंस, लेट्स स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. सी चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी रीडर एंड विच क्लास इट इज? फोर्थ. आर यू रेडी विद दिस रीडर्स? ओके, एंड ओपन योर रीडर्स. सो चिल्ड्रंस, वॉट वी लर्न इन यूर प्रीवियस क्लास? विच लेसन इज गोइंग ऑन? Yes, our first lesson is going on. What was our first lesson name? Badal Par Sair. Okay, ये हमारी कविता थी बादल पर सैर. तो चलिए, लास्ट प्रीवियस क्लास में हम रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज बिट्स करे थे, यानी कि रीडर वर्क, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4. ओके, पेज नंबर 3, आई थिंक हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हुआ लास्ट प्रीवियस क्लास में. इसके मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे ना इसके क्वेश्चन आंसर्स. Yes or not? If not, you complete on time, okay? So, चलिए आज हम rest of the bits करेंगे आज. So, come up the page number 4. Are you ready with this page? Page number 4. Okay, तो चलिए यहाँ पर देखिए, page number 4 पे first bit, आ bit जो है प्रश्नों की उत्तर, ये हम हमारी previous class में आपको ये notes में question answers लिखना था, okay? I have already given this question answers in your previous class. तो चलिए यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट बिट देखिए, शब्दों के अर्थ लिखिए. यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ लिखना है. ओके, अर्थ मीन्स यस मीनिंग लिखना है आपको यहाँ पर. तो चलिए हमारा पहला शब्द देखिए, सतरंगी. सतरंगी, सतरंगी मीन्स इसका अर्थ क्या होगा? यस, सतरंगी मीन्स सात रंगों वाला. ओके, सात साकवा की मात्रा था, सात रंगों, राकोन की मात्रा, गाको ओ की मात्रा, सात रंगों वाला, वाकुआ की मात्रा वाला, अकुआ की मात्रा ला वाला. सतरंगी का अर्थ होता है सात रंगों वाला. सेकंड, चलिए दूसरा शब्द देखिए, संगी साथी. साकवन की मात्रा संग, गाको बड़ी की मात्रा गी, संगी साथी, साकुआ की मात्रा सात, हाको बड़ी की मात्रा थी, साथी, संगी साथी. संगी साथी का अर्थ क्या होता है बच्चों? संगी मीन्स साथ रहने वाला, ठीक है, साथी मीन्स मित्र, साथ रहने वाला मित्र. ओके, संगी मीन्स संगी का अर्थ होता है साथ. ओके, साथी मित्र. ओके, साथ रहने वाला मित्र. साथ, साकवा की मात्रा था साथ रहने, रह रहन आकुआ की मात्रा ने, रहने वाला वाकुआ की मात्रा वाला, आकुआ की मात्रा ला वाला मित्र, माँ को छुट्टी की मात्रा त्र मित्र. ओके, नेक्स्ट देखिए तीसरा शब्द, इंद्रधनुष. ई को अन की मात्रा, दा को पद की मात्रा, इंद्र ध ना को छोटी की मात्रा, श इंद्रधनुष. इंद्रधनुष मीन्स यस रेनबो जो होता है, इसे हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है. इसका अर्थ देखिए, इंद्र का धनुष. ई को अन की मात्रा, दा को पद की मात्रा, इंद्र का को की मात्रा का, इंद्र का धनुष, ध ना को छोटी की मात्रा, श इंद्रधनुष. ओके, ये आपके शब्दों के अर्थ है, ठीक है. ये आपको आपकी रीडर में कंप्लीट करना है इसी तरह से, ठीक है. रीड एंड राइट, रीड विथ स्पेलिंग. ना मूव टू सेकेंड बिट, वाक्यों में प्रयोग, सॉरी वाक्यों में राइट या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए. यहाँ पर जो बच्चों वाक्य दिए गए हैं ये पढ़कर आपको जो करेक्ट है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है, जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है जो गलत है, ठीक है. तो चलिए हमारा पहला वाक्य देखिए, धरती का अर्थ है जमीन. धरती मीन्स यस अर्थ, ई आर टी एच अर्थ बोलते हैं ना हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में धरती. तो धरती को और क्या बोलते हैं बच्चों? धरती का अर्थ यानी कि मीनिंग ज़मीन भी होता है या नहीं? धरती का अर्थ है ज़मीन, ये राइट या रॉन्ग? यस राइट है ना, ये ऑलरेडी डन है फॉर फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. ओके, तो चलिए सेकंड देखिए, सेकंड से आपको करना है. तो दूसरा वाक्य देखिए आपका, बादल का अर्थ है बारिश. बादल मीन्स यस क्लाउड जो होता है हमारे, उसको मेघ जो होते हैं बादल, क्लाउड ये तो क्लाउड है. तो बादल का अर्थ है बारिश, बारिश मीन्स रेन, तो इसका अर्थ सेम है, ये करेक्ट है, ये बादल का अर्थ बारिश. नो रॉन्ग है, वेरी गुड. यहाँ पर देखिए, बादल मीन्स क्लाउड, बारिश मीन्स रेन, तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग है, ठीक है, अंतर है दोनों के अर्थ में. तो ये इसका अर्थ नहीं है, रॉन्ग है ये, ठीक है. तो यहाँ पर आपको रॉन्ग का चिन्ह डालना है सेकेंड वाले बॉक्स में. तो चलिए हमारा तीसरा वाक्य देखिए, सतरंगी का अर्थ है नारंगी. सतरंगी का अर्थ है नारंगी. सतरंगी का अर्थ क्या है यहाँ पर हम पढ़े ना, सतरंगी का अर्थ है सात रंगों वाला, तो यहाँ पर बोल रहा है नारंगी बोल रहा है, ठीक है. तो सतरंगी का अर्थ नारंगी होता है,
नो रॉन्ग, रॉन्ग है ना, ये सतरंगी का अर्थ है सात रंगों वाला, तो इसका अर्थ ये रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग का चिन्ह लगाना है, लिखना है यहाँ पर बॉक्स में तीसरे वाले। तो चलिए हमारा चौथा वाक्य देखिए, साथी का अर्थ है मित्र। साथी मीन्स ये सभी हम यहाँ पर इसे यहाँ पर शब्दों के अर्थ में पढ़े ना, साथी मीन्स मित्र। ओके, साथी यानी कि फ्रेंड को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, तो साथी का अर्थ है मित्र। राइट या रॉन्ग? करेक्ट है ना, साथी का अर्थ, साथी का मीनिंग यहाँ पर मित्र है। राइट या रॉन्ग? यस राइट, वेरी गुड। यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, क्योंकि साथी का अर्थ मीनिंग उसका मित्र होता है। ठीक है, पाँव का अर्थ है पाँव, पाँव का अर्थ है पाँव। राइट या रॉन्ग? यस राइट, पाँव यानी कि पैर, लेग। ठीक है, पाँव यहाँ पर भी पाँव बोल रहा है, तो दोनों का अर्थ सेम है, आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखिए, जाऊं का अर्थ है जाना। जाऊं का अर्थ जाना है, राइट या रॉन्ग? जाऊं यानी जाना, गोइंग, तो जाऊं का अर्थ है जाना, राइट या रॉन्ग? दोनों का अर्थ सेम है ना, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है, जाऊं भी जाना है, जाना भी जाना ही है, तो दोनों का अर्थ क्या है, सेम है, मीनिंग सेम है, तो आपको यहाँ पर लास्ट वाले बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाना है। ओके, आई अंडरस्टैंड दिस बीट, सो कम्प्लीट दिस बीट इन यूअर रीडर, कम्प्लीट दिस टू बीट्स इन यूअर रीडर। ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर फाइव। ओके, पेज नंबर, सो कम अप द पेज नंबर फाइव। चलिए पेज नंबर फाइव पे देखिए, आपके यहाँ पर क्या करना है, आपको बादलों का चित्र बनाकर उसके बारे में छोटी सी कविता लिखिए। यहाँ पर जो आप कितनी बड़ी स्पेस दी गई है बच्चों, यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको बादलों का चित्र बनाना है। बादलों का चित्र मीन्स यस, ये हमारे क्लाउड्स होते हैं, आपको यहाँ पर उसका चित्र यानी कि ड्रॉ करना है बादलों को, और उसके बारे में आपको एक छोटी सी कविता लिखना है। बादलों पर आपको एक छोटी सी कविता लिखना है, कविता यू नो ना, पोएम। यस, आपको यहाँ पर कविता लिखना है। पहले आप यहाँ पर बादलों का चित्र बना लीजिए अच्छे से, फिर उसमें कलर कर लीजिए, इफ़ यू आर हैविंग ड्राइंग क्रेयॉन्स वगैरह, तो आप यहाँ पर इसमें कलर भी कर लीजिए। ओके, अच्छे से नीट यहाँ पर क्लाउड ड्रॉ करिए, बादल का चित्र बनाइए। ओके, बादलों का चित्र बनाकर ये कविता आपके रीडर में लिखिए। ओके, देखिए चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पर कविता लिखना है, तो कविता देखिए, कविता पढ़ेंगे हम यहाँ पर, क्या कौन सी कविता आपको लिखना है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। क्या कविता है बच्चों, बादलों पर आपको लिखना है ना कविता, बादल का चित्र बनाकर उसके बारे में आपको कविता लिखना है बादल पर, तो बादल पर कविता क्या है यहाँ पर, झम 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 मेघ बरसते सावन के, सावन के यानी कि मौसम के, बारिश के मौसम के मेघ कैसे बरसते हैं। यस, झम 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 मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। जब सावन के मेघ बरसते हैं यानी कि बारिश होती है, तब वहाँ उसकी बूंदे कैसे गिरती है, तरुओं से छन के, छम छम गिरती है, यानी कि तरु मीन्स जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, पेड़ वृक्ष जो होते हैं, उससे बूंदे, बारिश की बूंदे, बरसती जो बूंदी है मेघों की, वो कैसे गिरते हैं, तरुओं से छन के, यानी कि पेड़ों के पत्ते जो होते हैं उसमें से बारिश की बूंदे छन कर नीचे गिरती है, छम छम गिरती है, किस तरह से गिरती है, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। बूंदे यू नो ना ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, तरुएं मीन्स पेड़ वृक्ष। ओके, छन के यानी कि वो पत्ते जो होते हैं ना, लीव्स, उसमें से छन कर बूंदे छम छम गिरने लगी। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बिजली कैसे चमक रही है, बिजली चमक रही रे उर में घन के, यानी कि बादलों का जो हृदय है, बादलों का जो दिल है, उस पर से बिजली चमचमाती है। बादलों का जो हृदय है यानी कि दिल है, उसमें से क्या हो रही है, बिजली चमचमा रही है, चमक रही है। ओके, और सपने अपने दिन में, दिन के तम में सपने जगते मन में, सबके मन में क्या है, दिन में सपने जगने लगे हैं। इस तरह से ये नज़ारा देखकर, दृश्य देखकर सबके मन में दिन में सपने सजने लगे। ओके, बादलों के हृदय से क्या होंगे, बिजली चमचमाती है, और वर्षा के कारण चारों ओर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, होता है ना, बारिश होने लगती है, पूरे गहरे अंधेरा, बादल डार्क हो जाते हैं, यानी कि गहरे काले हो जाते हैं जब बारिश होने लगती है, तो सभी तरफ चारों ओर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, लोगों के मन में क्या होता है, तरह तरह के सपने जगने लगते हैं, तो ये दृश्य बड़ा ही मनोहरी होता है। ओके, दिन में सबके मन में सपने जगने लगे, मन के, ओके, तम में।
तो बच्चों ये बादलों पर आपको कविता लिखना है, ठीक है। इस तरह से बादलों का चित्र बनाइए और इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखिए। ये कविता आपको आपके रीडर में लिखना है, ठीक है। रीड एंड राइट चिल्ड्रंस, ओके। वंस रीड विथ मी। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। आर यू रीड विथ मी और नॉट? मेरे साथ साथ आप लोग रीड कर रहे हैं ना? यस, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ रीड करिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। के यह आपकी कविता है बादलों पर, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस क्लाउड्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू राइट दिस पोएम, ओके। रीड एंड राइट चिल्ड्रन, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, डोंट डू कंजेस्टेड, डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, ओके। दिस वी हैव कम्प्लीटेड ओवर दिस बीट। नाउ मूव टू सेकेंड बीट। बादल कैसे बनते हैं इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए और इसे कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये कक्षा का कार्य है, यानी कि क्लास में किया जाने वाला काम है। तो बादल कैसे बनते हैं बच्चों, इसकी जानकारी इकट्ठा करना है, गैदर करना है और इसे कक्षा में प्रदर्शित करना है, यानी कि क्लास में आपको दिखाना है। ये क्लास का कक्षा का कार्य है कि तो बादल कैसे बनते हैं। तो बच्चे जो नदी तालाब जो समुद्र का पानी होता है वो सूर्य की गर्मी से जो होता है गर्म हो जाता है, गर्म होकर के भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, तो हवा उसे आसमान में ले जाती है। इस तरह से वो बादल बनते हैं, ठीक है। जो सूर्य तालाब नदी समुद्र का पानी जो होता है सूर्य की गर्मी से यानी कि सूरज की गर्मी से क्या होता है वो गर्म होता है, गर्म होकर वो भाप बनता है। वो पानी सूर्य तालाब का नदी का पानी भाप बनकर ऊपर हवा में उड़ता है, हवा उसे आसमान में लेकर जाती है, तो इस तरह से बादल बनते हैं। फिर जो बादल बनते हैं वही फिर बरसात के रूप में हमें बरसने लगते हैं और वो इस तरह से ये रूप में हमें पानी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बादल बनते हैं, ओके। सो नो नीड टू राइट दिस बिट। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट लेसन। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन, सेकंड लेसन। टिल देन कम्प्लीट दिस रीडर वर्क, ओके। कम्प्लीट दिस थ्री बिट्स, कम्प्लीट दिस थ्री बिट्स इन योर रीडर, ओके। रीड एंड राइट चिल्ड्रन, राइट नीटली एंड प्रॉपरली। सो इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।